हेलो फ्रेंड्स, तो आज फाइनली हम पिकॉक वाले डिज़ाइंस देख रहे हैं। हम आज प्रॉपर बड़ा वाला पिकॉक नहीं देखेंगे, हम आज बेसिक पिकॉक का डिज़ाइन देखेंगे जो ब्राइडल मेहंदी में यूज होता है। इस तरीके के साइड पिकॉक ब्राइडल मेहंदी में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इसलिए आपको बड़े वाले पिकॉक की जगह ये वाले पिकॉक की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जब आप ब्राइडल मेहंदी लगाओगे। तो इसलिए आपको ये वाले सारे पिकॉक आने बहुत ज़रूरी है। तो इस पिकॉक में हम दोनों साइड का पैटर्न देखने वाले हैं। अभी मैंने राइट साइड को फेस करके पिकॉक बनाया है, अभी मैं लेफ्ट साइड को फेस करके भी पिकॉक बनाऊंगी। तो आपको दोनों साइड के पिकॉक ट्राई करने हैं। अभी जिस तरीके से मैं बीच में फील कर रही हूँ, उसी तरीके से आपको भी करना है। अभी यहाँ पे मैं बॉर्डर कर रही हूँ। आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो बीच में की डिज़ाइन है उसके हिसाब से आपकी जो बॉर्डर है वो थिक होनी चाहिए, तभी वो जो आपका कोई भी शेप होता है वो हाईलाइट होता है। तो जितनी बारीक हो सके उतनी बारीक बीच में डिज़ाइन बनाओ और जितनी हो सके उतनी थिक बॉर्डर बनाओ। यहाँ पे हम थोड़ा डिफरेंट फिलअप करेंगे ताकि आपकी डिफरेंट फिलअप की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पे मैं पूरा बारीक वाला डिज़ाइन बीच में भर रही हूँ। आप देख रहे हो जितना मतलब जो बीच में जो डिज़ाइन बना रहे हैं और बॉर्डर का जो थिकनेस है वो उसमें बहुत डिफरेंस होना चाहिए। आप भी जब निकालोगे उसी से आपकी फिनिशिंग दिखेगी मेहंदी में। तो यहाँ पर मैं सिंपल चेक्स बना रही हूँ। अभी आप देखना मैं कि बॉर्डर कैसे कर रही हूँ। देखो कितनी थिक बॉर्डर है, कितना डिफरेंस है बॉर्डर में और बीच में जो मेहंदी है उसमें। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, ये वाला पिकॉक ऊपर की साइड गया है, राइट है ना। तो ये वाले पिकॉक की साइड हमने ऊपर की ओर ली है। तो इसी पिकॉक में और एक हम लेते हैं जिसको हम नीचे की साइड में कर्व करते हैं। देखो इस तरीके से ये दोनों पिकॉक ब्राइडल मेहंदी में यूज होते हैं। आपके जिस तरीके से डिज़ाइन बन रही है उसी तरीके से आपको ये दोनों पिकॉक एडजस्ट करने पड़ते हैं। जिस तरीके से आप डिज़ाइन बनाते जा रहे हो और कहाँ पे कौन सा आपको शेप एडजस्ट करना है, ऊपर की साइड या नीचे की साइड, तो उसके लिए आपको ये दोनों टाइप के पिकॉक ट्राई करने पड़ेंगे। तो आज के ये पिकॉक के डिज़ाइन आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके का पैटर्न होता है। ये पिकॉक भी बनाने उतने ही ज़रूरी है। हम जो फुल पिकॉक होते हैं जिसमें हम उसका जो पंख वगैरह होते हैं वो पूरा निकालेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। यहाँ पे देखो मैं कैसे बॉर्डर बना रही हूँ। बीच में का डिज़ाइन बहुत बारीक है और बॉर्डर उतनी ही थिक है। ये हो गए कुछ सिंपल बेसिक पिकॉक का जो शेप होता है। अगर ये आप अच्छे से ड्रॉ कर लो तो आपको फुल पिकॉक ड्रॉ करने में बहुत आसानी होगी। तो इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में फुल पिकॉक देखेंगे। वहाँ पे हम फुल पिकॉक
कि फीदर्स कैसे निकालने हैं पूरा सीखने वाले हैं, तो इसके लिए आपको ये बेसिक आना बहुत ज़रूरी था। तो आज के ये सारे बेसिक पिकॉक, उसकी फिनिशिंग, उसके शेप्स आपको कैसे लगे मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।